बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा एडल्ट फिल्म मामले में मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि उन्हें पता नहीं कि उनके पति और व्यापारी राज कुंद्रा अश्लील पर मामले में क्या करना चाहते थे। शिल्पा ने कहा कि वह अपने काम में व्यस्त थी। शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया है कि राज कुंद्रा ने वियान इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत 2015 में की। मैं 2020 तक इसकी डायरेक्टर थी। इसके बाद मैंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया। मुझे पता नहीं था कि हॉटशॉट या बॉलीफैब ऐप किस लिए काम करते हैं। मैं अपने काम में व्यस्त थी, इसके लिए मुझे राज कुंद्रा के काम के बारे में पता नहीं था। पुलिस जांच के अनुसार कुंद्रा ने कथित तौर पर स्लेज कंटेंट रैकेट के दैनिक संचालन का प्रबंधन करने के लिए अपनी कंपनी के मुंबई कार्यालयों का इस्तेमाल किया और इसे भुगतान किए गए दर्शकों के लिए हॉटशॉट और बॉलीफैब ऐप के माध्यम से अपलोड किया। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उनके अलावा 11 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा अश्लील फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी के अलावा 43 अन्य गवाहों की लिस्ट जारी की गई है। यह 1500 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। इसे मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा मामले में दायर किया है। राज कुंद्रा अश्लील फिल्म मामले में आरोपी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा और वियान इंडस्ट्री के आईटी हेड रयान थोरपे के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। पुलिस ने 23 जुलाई को कुंद्रा के घरों और 24 जुलाई को अंधेरी में वियान कार्यालयों पर छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, पोर्टेबल हार्ड डिस्क जब्त किए थे और थोरपे से एक लैपटॉप भी बरामद किया था। सनसनीखेज मामले से संबंधित और सबूत इकट्ठा करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विभिन्न फॉरेंसिक परीक्षणों के अधीन किया गया था। शिल्पा के अलावा पुलिस ने कुंद्रा और थोरपे के खिलाफ मॉडल, फिल्मों या टेलीविजन अभिनेत्रियों सहित कम से कम 42 अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें कुछ मजिस्ट्रेट के सामने भी शामिल है। कथित घोटाला इस साल की शुरुआत में सामने आया, जब मलाड पुलिस ने मड द्वीप पर एक बंगले पर छापा मारा, जहां कथित तौर पर पॉर्न फिल्मों की शूटिंग की जा रही थी, जिनमें 9 आरोपी को पकड़ लिया और अंत में 19 जुलाई को राज कुंद्रा और थोरपे की गिरफ्तारी के बाद मनोरंजन उद्योग को झकझोर कर रख देने के बाद इस रैकेट का पर्दाफाश हुआ। INS रिपोर्ट।